मम्मी, एक खाना खाने से पहले फोटो लेने का क्या शौक पड़ गया आपको? अरे वो अंकित है ना बेचारा, उसे वो हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। कहता है माँ आपके खाने की फोटो देखकर खाना थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए उसको ये खाने की फोटो भेज देती हूँ। क्या मम्मी, आपके लाड़ प्यारे ना कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है उसको। अरे वो कभी बड़ा भी होगा या ये फालतू की जिद करने वाला बच्चा ही बना रहेगा? अभी रुको, मैं बात करती हूँ उससे। ये व्हाट्सएप और फेसबुक ने ना आधी दुनिया पागल बना रखी है। हेलो, हेलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते अंकित, ये तूने मम्मी को क्यों परेशान कर रखा है? अरे नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इतनी दूर रह के भी तुझे मम्मी को परेशान करे बगैर तेरे को चैन नहीं मिलता ना? तेरा दिन पूरा नहीं होता। मैं क्यों करूंगा मैं आपको परेशान? तो प्यारे भाई, ये बता, ये लंच और डिनर की फोटो का क्या चक्कर है? दीदी आपको तो पता है, पापा के मरने के बाद माँ का हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, और वह आपकी शादी हो गई थी और आप अपने घर चले गए थे। मैं भी वहाँ से हॉस्टल चला गया था, फिर माँ अकेली रह गई थी। पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया तो काम वाली भाई ने बताया कि माँ कभी कभी खाना बनाती है, वरना चाय के साथ बिस्कुट और ब्रेड खाकर रह जाती है और बहुत उदास बैठी रहती है। उन्हें रोज ढंग का खाना खिलवाने का इससे अच्छा तरीका मुझे समझ नहीं आया दीदी। माँ मुझे फोटो भेजने के चक्कर में खाना बनाती भी हैं और खाती भी हैं, और खाना बनाने के चक्कर में वह बिजी भी रहती हैं। अंकित, तो सच में बड़ा हो गया मेरे भाई। मुझसे भी बड़ा। दीदी वक्त और हालात इंसान को समय से पहले बड़ा कर देते हैं ना। और मम्मी का ख्याल रखना दीदी। बाय दीदी। हाय फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, अंकित ने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया? सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें अपनों से दूर कर रहा है या जोड़ कर रख रहा है?